गाइस नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ जिसकी आप सबको बहुत ज़रूरत है। जी हाँ, क्योंकि लॉकडाउन है, सैलों हम जा नहीं सकते, पार्लर्स जा नहीं सकते, तो इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है। तो देखिए वीडियो में, लॉकडाउन की वजह से हम लोग सैलून नहीं जा सकते, जिस वजह से हम आईब्रो और अपर लिप्स नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होंगी जो आईब्रो और अपर लिप्स नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई एम हेयर फॉर यू गाइस। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि घर पर रहकर आप अपनी आईब्रो खुद से और अपर लिप खुद से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि थ्रेड चलाना तो आपको नहीं आता, मैं आपको आईब्रोज और अपर लिप थ्रेड से नहीं सिखाऊंगी, मैं आपको ऐसी चीज़ें सिखाऊंगी जिससे आप हर कोई कर सकता है अपने आप खुद की आईब्रो और अपर लिप्स। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ब्राजीलियन वैक्स। देती हूं आपको, ब्राजीलियन वैक्स कुछ इस तरह की होती है और ये चॉकलेट बार फॉर्म में आती है। हमारे पास जो होती है वो प्रोफेशनल वाली वैक्स होती है, तो इसलिए हम बड़ी वाली वैक्स लेते हैं। आप इसके लिए ले सकते हैं जो बीन्स वैक्स आती है ना, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, आप ऑनलाइन सर्च करना, तो आपको 50 ग्राम या 100 ग्राम का एक पैकेट मिल जाएगा जिसमें छोटे छोटे बीट्स होते हैं, तो आप वो वाली वैक्स ले सकते हैं। बीन्स वैक्स और ये वाली ब्राजीलियन वैक्स सेम ही होती हैं, बस ये है कि करने का तरीका भी इसका सेम होता है, बस दिखने में ही अलग अलग होती है। ठीक है, तो आपको ये नहीं मिले, आपको ये लेने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये प्रोफेशनल वैक्स होती है। आप सिर्फ बीन वैक्स ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको मार्केट में तो आप मिलेंगी नहीं, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन ये चीज़ें सर्च कीजिए और ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन ऐसी चीज़ें बहुत ईजिली मिल जाती हैं। इस तरह का आपके पास वैक्स हीटर होना चाहिए, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, तो इसलिए आप ये भी एक मंगा के रख लीजिए और एक बीन वैक्स मंगा के रख लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन कभी भी लग जाता है, तो इसलिए ऐसी कुछ यूज़फुल चीज़ें हैं जो हमारे पास घर पर होनी चाहिए ताकि हमारा काम रुकना नहीं चाहिए, हमारी ग्रूमिंग रुकनी नहीं चाहिए। वैक्स हीटर में पूरी तरह से वैक्स जो है वो मेल्ट हो चुकी है, और आपकी भी जब आप बीन वैक्स जब आप मेल्ट करोगे तो इसी तरह से बहुत अच्छे तरीके से वो मेल्ट हो जाएगी। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, ये इसकी कंसिस्टेंसी है। ठीक है, ये देखो, आईब्रो वैक्स करने के दो तरीके होते, मैं थोड़ी सी थिक आईब्रोज रखती हूँ हमेशा और थिक आईब्रोज ही पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैं अपनी आईब्रोज के सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर्स ही निकालती हूँ। अगर आपको प्रॉपर पूरी शेप वाली आईब्रो बनानी है तो उसके लिए आप क्या करो, जो आपके लिए कन्वीनियंट होगा और जो इजी भी होगा, आप उसको किसी भी पेंसिल से या काजल पेंसिल हो आपके पास, ठीक है, कोई भी कलर पेंसिल हो, उससे आप ड्रॉ कर लो या स्केच से ड्रॉ कर लो। ठीक है, जो पोर्शन आपको बिल्कुल सही पोर्शन पे आप, और जो पोर्शन पे आपको वैक्स करनी है उस पोर्शन को लाइन से बाहर रहने दो। ठीक है, ये दो तरीके हैं, अब आप देखो आपको कौन सा कन्वीनियंट लगे आप उस तरीके से कर लेना। अगर एक्स्ट्रा हेयर निकालने हैं तो सिंपल आप सिर्फ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पे आप लगाओ और कर लो। ठीक है, और या फिर आपको प्रॉपर आईब्रो बनानी है तो आप स्केच पेन से ड्रॉ कर लो, स्केच पेन छूट जाएगा जब आप फेस वॉश करोगे तो आराम से निकल जाएगा। आपको स्पैचुला में वैक्स लेनी है, एक्स्ट्रा निकाल दीजिए, एक फिंगर से यहाँ स्ट्रेच करना है, ठीक है, और बाकी के फिंगर से ऊपर स्ट्रेच करना है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेच हो गया, अब आपको पूरा एरिया मिल गया है अच्छे से वैक्स करने का। जैसे आपके आईब्रोज राउंड हो या फिर किसी भी शेप में हो तो आपने उसी शेप में आपको वैक्स लगाना है। मेरी आईब्रोज जो है वो थोड़ी सी राउंड शेप में है, तो मैं उसको राउंड डायरेक्शन में लगा रही हूँ। ठीक है, बस आपको अपनी आईब्रो की जो नेचुरल शेप है उसको ही फॉलो करना है। अब ये थोड़ा सा गीला है, इसमें सबसे अच्छी बात ये कि इसमें आपको बिल्कुल भी पेन भी नहीं होता है। इसमें आपको साथ साथ में पाउडर भी लगाते रहना है, अगर आपको स्वेटिंग फील हो तो आप पाउडर लगाते रहना। अब सेंटर वाले बालों की जो ग्रोथ होती है वो ऊपर की तरफ होती है, तो आपको ऊपर की तरफ ही वैक्स अप्लाई करनी है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब हम इसको पुल करेंगे तो हम अपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं। ठीक है, तो हेयर बहुत इजीली निकल जाते हैं। अब ये हमारा पोर्शन ड्राई हो चुका है, तो इस तरह से हेयर निकल चुके हैं।
अब ये वाले हेयर जैसे ऊपर की तरफ थे ना, तो अब हम इसे क्या करेंगे, नीचे की तरफ पुल करेंगे। पोर्शन जो है वो क्लीन हो गया है, तो इस तरह से स्पूली जो आती है ना, तो इसकी हेल्प से आप इसको अपने हेयर को कॉम कर लीजिए। ठीक है, कॉम कर लिया आपने, कट कर लेने ये वाले हेयर। पाउडर मैं पहले ही लगा चुकी हूँ। जैसे नीचे की तरफ हेयर होते हैं ना, तो हमें वैसे ही लगाना है, जिस तरफ हेयर होते हैं उसी डायरेक्शन में हमें लगाना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे टंग लगानी है आपको। जितना हो सके आप पतला लेयर लगाएंगे, उतने अच्छे से आपके हेयर रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पतली लेयर लगानी है वैक्स की। लास्ट में जो बचता है कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली अपर लिप की लाइन, एजेस जो है, ये यहाँ पे छोटे छोटे हेयर रह जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको करना है। कैसे करना है देखिए, तो इस तरह से हमने अपर लिप्स भी कर लिए हैं, और ये छोटा छोटा जो पार्टिकल्स आप देख रहे हो ये इजीली निकल जाएंगे जब आप फेस वॉश करोगे तो। ठीक है, इसी तरीके से आप अपनी जॉ लाइन पे भी कर सकते हैं, जिनके जॉ लाइन पे बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं। जब भी आप पुल करोगे तो हमेशा एक तरफ स्ट्रेच करके ही पुल करना है। देखिए, मैं इस तरफ से खींच रही हूँ इसको, और मैंने अपोजिट डायरेक्शन में ये हेयर निकाल दिए, देखो आप। ठीक है, अब यहाँ से मेरे हेयर बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। मोस्टली यही करती हूँ कि जो मेरे आईब्रोज के ये वाले जो हेयर है ना बैक साइड के, ये ही निकालती हूँ मैं, ये वाले हेयर नहीं निकालती हूँ, क्योंकि आजकल यही ज़्यादा ट्रेंड है थोड़ी बुशी आईब्रोज का। ठीक है, मेरा आईब्रो किस शेप में जा रहा है मैं उसी को ही फॉलो कर रही हूँ। और जहाँ जहाँ पे आपके फॉरहेड पे हेयर है वहाँ भी लगा सकते हैं आप। एक तरफ से आपको खींचना है, फिर आपको ये निकालना है। अब यहां से ड्राई हो गया, हियर आई एम। अब मैंने अपनी आईब्रोज बिल्कुल सेट कर ली है, मैंने आईब्रो फिलर भी यूज़ कर लिया है, और इस तरह से आप अपने आईब्रो सेट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर वैक्स सीटर नहीं मिल रहा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी परचेज लिंक, तो आप वहाँ पर क्लिक करके ब्राज़ीलियन वैक्स भी ले सकते हो और आप वैक्स सीटर भी ले सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि आईब्रो बनाते वक्त आपको क्या करना है। सबसे पहले आईब्रो बनाते वक्त आपको पाउडर लगाना है। दूसरी चीज़ ये कि आपको आईब्रो बनाने के बाद कोई भी टोनर यूज़ करना है, या तो वो रोज़ वाटर हो, या फिर कोई आपका कोई और टोनर हो आप वो यूज़ कर सकते हो, या फिर एस्ट्रिजेंट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आपको इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस आपको देखने हैं लॉकडाउन में कौन कौन सी चीज़ें आप घर पर खुद कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी ये चीज़ घर पर कर सकें।